प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच में ये बोला कि मोदी मौज के लिए नहीं मेहनत के लिए पैदा हुआ है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान में रह रहे प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े फैन आबिद अली का जबरदस्त इंटरव्यू, जो कि लेंगे पाकिस्तान के सबसे मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये एक भारतीय चैनल है। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली अपनी स्पीच में ये बोला है कि मोदी मौज के लिए पैदा नहीं, मोदी मेहनत के लिए पैदा हुआ है। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। साथियों, 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जजेस के जो केसेस चल रहे हैं, जजेस के हवाले से आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से, कि उनकी नाजेबा वीडियोस बना के उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आबिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, पक्की बात है। जबरदस्त जबरदस्त। बिजनेस कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तो कभी यार, अब तो माशाल्लाह बहुत। ईद के दिन है, मतलब वैसे तो जैसे महंगाई हो गई है, मैंने लोगों से जो पूछा वो कह रहे हैं यार महंगाई इतनी हो गई है कि चीजें खरीदने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन आप एज ए बिजनेसमैन क्या कहना चाहेंगे? लोग बड़े हैं, तादाद बड़ी है खरीदारों की या कम? एक्चुअली रमजानुल मुबारक जब स्टार्ट होता है ना, तो हर इंसान को अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने होते हैं। इस वजह से हमारा काम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा डबल हो गया, ठीक हो गया। आपका काम अच्छा है, मैं तो चाहता हूँ हर पाकिस्तानी का काम अच्छा हो। अच्छा आबिद भाई, टॉपिक आपने सुना होगा कि इंडिया यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने जा रहे हैं, खबरें ये हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये डॉक्टर जयशंकर साहब जो हैं इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, इन्होंने एक बयान दिया तो उसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। ठीक है, उन्होंने अभी रिसेंटली जो बयान दिया उसमें क्या बता रहे हैं कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर जो है ना अब बन जाना चाहिए। ठीक है, देखिए उसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें 3 सुपर पावर है, चाइना, रशिया, अमेरिका और उसके साथ 2 हैं। तो अभी वो इंडिया के लिए भी अप्लाई होगा, या उन्होंने कहा जो भी उनके मामला हैं, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर जो है ना शुएब भाई, कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया के फैसले, मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ कि देखिए लफ्जों में और कहने में ये आम सी बात लग रही है कि यूनाइटेड नेशन का जी परमानेंट मेंबर जो है ना 5 मेंबर हैं, 6 हो जाए, 7 हो जाए, मतलब जो भी उनके मामले आते हैं, तो इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाए। जब इंडिया परमानेंट मेंबर बन गया तो उसका मतलब आपको पता है उसका मतलब क्या होता है? यानी कि फॉर एग्जाम्पल जिस तरह दुनिया में जंग चल रही है, अभी यूक्रेन की चल रही है, रशिया की चल रही है, एक फलस्तीन की चल रही है, तो अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान के पंगे जो शुरू हुए हैं, तो देखिए यूनाइटेड नेशन का जो परमानेंट मेंबर होता है उसमें वो जो भी फैसला कर दें, यानी कि 5 मेंबर जो हैं उसमें जो भी फैसला कर दें वो फैसला मंजूर होता है, चाहे पूरी दुनिया के कि यार ऐसा नहीं वैसा नहीं, पूरी दुनिया को फिर भी वो मानना पड़ेगा। देखिए अभी मैं रिसेंटली जो बड़ी बात आपको बताना चाह रहा हूँ, बड़ी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि शुएब भाई देखिए, हम इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती को लेके बहुत सी कोशिश करते हैं, बहुत सी बार बातें करते हैं, टेररिज्म के ऊपर हम बड़ी बात करते हैं कि ये खत्म होना चाहिए, पूरी दुनिया में खत्म होना चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अगर पूरी दुनिया में कहीं भी टेररिज्म हो रहा है उसे खत्म होना चाहिए। अभी मैं बड़ी बात, आपने 2 मिनट बोलना नहीं है पीछे, अभी बड़ी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जैसे बोलते रहते हैं दोस्ती हो जाए, तलक अच्छे हो जाए, ट्रेड स्टार्ट हो जाए, पाकिस्तान में टेररिज्म खत्म हो जाए। देखिए अब मैं आपको बड़ी बात जो बताना चाह रहा हूँ कि एक टाइम ऐसा आना है कि जब इंडिया ने यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बन जाना है ना, आप यकीन कीजिए कि उस टाइम हमारा जो अभी बड़े बड़े मीडिया पर्सन है या हमारे बड़े बड़े ऑफिसर जो हैं, जो हमें गद्दार कहते हैं, जो हमें कहते हैं कि यार इंडिया की तारीफ करते हैं, ये लोग मीडिया की पॉलिसीज बनवाएंगे कि इंडिया की तारीफ करा करें, इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर करें, इंडिया के साथ तल्लुक बेहतर हो, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जब वो मेंबर बनेगा तो वो एक क्लास बन जाएगा, बोल नहीं पाएंगे। उसमें एक चीज ये भी है ना कि तब फायदा होगा या नहीं, तब बड़ी बात ये है, मतलब लेट्स सपोज इंडिया मेंबर बन जाता है, तब हम तारीफ भी करें कुछ भी करें, वो कहेंगे कि भाई अब तो इनकी मजबूरी है, मजा तो फिर है ना, अभी हम रिलेशन बेहतर करें, अभी अपनी पॉलिसीज ऐसे बनाए कि भाई रिलेशन दुनिया का कोई भी कंट्री है, चाहे इंडिया, चाहे अफगानिस्तान, चाहे ईरान, चाहे चाइना, सबके साथ दोस्ती होनी चाहिए, अच्छे तल्लुकात होने चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, और अब अगर हम पॉजिटिव बात करेंगे शायद वो लोग समझें, अब अगर हम दहशतगर्दी के ऊपर कंट्रोल करेंगे, जो उनका क्लेम है, जो उनका शिकवा रहता है उसको खत्म करेंगे, कॉन्फिडेंस उनके साथ बहाल करेंगे, तो फायदा कल अभी, को फायदा। अभी आप देखिए यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट मेंबर की बात हो रही है, अगर फॉर एग्जाम्पल उसकी वोटिंग होती है, ठीक है, तो वोटिंग में आपको सब कुछ नजर आ रहा है,
अभी बरतानिया का वज़ीर आज़म कौन है? ऋषि सुनक। इंडियन 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 रीजन जो है ना, इंडियन रीजन है, तो क्या वो इंडिया के अंगेंस्ट वोट देंगे? ऐसे तो फिर रशिया भी परमानेंट मेंबर है, वो भी कभी इंडिया के अंगेंस्ट वोट नहीं देगा। ऐसे तो अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन है, परमानेंट मेंबर बनते हुए नजर आ रहे हैं सर। तो अब आप पाकिस्तान को देख लीजिए कि हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं। ठीक है, हम लोग अभी दहशतगर्दी से बाहर नहीं निकल रहे, हम लोग अपने उलझे हुए मामला से बाहर नहीं निकल रहे। देखे ना, अभी ईरान हमें कहता है कि पाकिस्तान में टेररिज्म खत्म कीजिए, ठीक है, अमेरिका हमें कहता है पाकिस्तान में टेररिज्म खत्म कीजिए, इंडिया कहता है टेररिज्म खत्म कीजिए। भाई सबसे बड़ी जो बात है, जिसे आप अपना आयरन फ्रेंड कहते हो, जब्बी फ्रेंड कहते हो, पप्पी फ्रेंड कहते हो, जिसे चाइना को, जिसे अपने जिगर और सीने के साथ लगाया हुआ है, वो चाइना भी अब ये कहने लग गया कि पाकिस्तान में टेररिज्म खत्म होना चाहिए। कई प्रोजेक्ट वो अपने बंद कर रहा है, कभी वो कहता है हमारी अपनी फोर्सेज होनी चाहिए, कभी वो नहीं बात करता है, कभी वो, अभी देखिए ना कि जो पांच चाइनीज जाने जो गई है, उसके ऊपर चाइना ने क्या सख्त किस्म का बयान दिया है। आप इस चीज को भी देखिए ना कि अगर वो हमारा फ्रेंड था, मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बात बताई, क्या उन पांच इंजीनियर्स को पाकिस्तान ने मारा है? अच्छा। पाकिस्तान की फोर्सेस ने मारा है भाई, उन्हें दहशतगर्दों ने मारा है। लेकिन ये देखे ना, अगर लेट्स सपोज आपके घर में कोई नुकसान होता है, किसी का भी, आपकी शॉप पे किसी का नुकसान होता है, और बाद में आप कहते मैंने किया, भाई हुआ तो आपके पास है ना, आपके सामने, पाकिस्तान जिम्मेदार तो फिर कहीं ना कहीं। हाँ भाई, हम फिर पाकिस्तान को इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया हमने कि पाकिस्तान में दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट लगेगा, दुनिया की कोई भी कंपनी होगी, दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री लगेगी, तो अपनी फोर्सेस साथ लेके आएंगे वो। आप समझिए ना इस बात को, पाकिस्तान को इस लेवल पे होना चाहिए कि पूरी दुनिया इत्माद करे पाकिस्तान में। और जो लोग हिस्ट्री को जानते हैं उनके लिए बताता चलूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो हिंदुस्तान में आई थी, वो भी ऐसी आई थी कि भाई हमें यहाँ पे पहले उन्होंने बिजनेस के लिए बात की, फिर ऐसा ऐसा बोला कि हमें थोड़ी सी सिक्योरिटी चाहिए, उसके लिए उन्होंने फोर्स तैयार की, अपनी फोर्स लेके आए, और फिर पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। अल्लाह ना करे सिचुएशन तो फिर वही नजर आ रही है ना। चाइना चाइना आप देखिए ना, कश्मीर भी ले गया, आप देखिए ना, वो तो हमने खुद गिफ्ट किया जो तो हमारा क्या, चाइना का तल्लक क्या था कश्मीर के साथ? आप समझिए ना, कश्मीर कोई फ्री की चीज है कि जिसे मर्जी गिफ्ट कर दो, जिसे मर्जी बांट दो? कश्मीर एक जन्नत है भाईजान। अभी चाइना आपके पाकिस्तान में इतना डीपली अंदर घुस चुका हुआ है। देखिए, मैं अब श्रीलंका की बात करना चाहता हूँ, मैं इस तरह के और तीन चार कंट्रीज की बात करना चाहता हूँ। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, चाइना उन मुल्कों में घुसा, उसने इतना इन्वेस्ट किया, इतना पैसा दिया कि वो मुल्क ब्लैकलिस्ट हो गए। अभी पाकिस्तान के आप हालात देख लीजिए, चाइना इधर जितना घुसा हुआ है, जितना उसने इन्वेस्ट कर रहा है, जितना हमें कर्जा दे रहा है, जितने मामला है, हम किस हालात पे आगे खड़े हुए हैं? ठीक हो, ब्लैकलिस्ट होते होते बच जाते हैं हर बार। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है, जिनकी पॉलिसीज आपको बड़ी पसंद है, उन्होंने प्रॉपर इलेक्शन कैंपेन अपनी स्टार्ट किया, और उन्होंने बड़ी बात की, मुझे वो बड़ी अच्छी लगी है, शायद आपने सुनी हो, अगर नहीं सुनी तो उसके ऊपर आप अपना कमेंट या अपनी ओपिनियन दीजिएगा। उन्होंने बोला है कि मोदी मौज के लिए पैदा नहीं हुआ, मोदी मेहनत के लिए पैदा हुआ है। यानी उन्हें कुछ लोगों ने यह बोला कि भाई आपने बड़ा काम कर लिया, 10 साल आपने बड़ी कंट्री की खिदमत कर ली, अब आप रेस्ट करें, तो उन्होंने आगे से ये जवाब। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, बहुत से लोग हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है और बड़ा शदीद किस्म का दर्द हो रहा है, उन्हें चाहिए अच्छे डॉक्टर को जाके चेक करवाएं और अपना इलाज करवाएं। देखिए, इंडिया के इंटरनल मामला आते हैं, हमें मेरे ख्याल से इनके ऊपर बात नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी शुएब भाई कुछ बातें ऐसी मुझसे भी रुका नहीं ना जाता। अभी वो रिसेंटली मैं वीडियोज देख रहा था, इंडिया में बड़ी चल रही है वीडियो जी, मोदी जी ने तो ये कर दिया, मतलब मोदी जी के अंगेज वीडियो चल रही है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट मोदी जी की नहीं बननी। अब मैं उन सबको बताना चाह रहा हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान को बताना चाह रहा हूँ, देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ना, उन्हें अपने कैंपेन की भी जरूरत नहीं है, उन्हें कोई दो नंबर ही करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह पाकिस्तान में दो नंबर मजाक में करने लगा हूं। उन्हें क्या कैंपेन की जरूरत है कि पाकिस्तान में खड़ा होकर बंदा उनकी कैंपेन उसी तरफ आ रहा था, मैं उसी तरफ अभी देखिए, लेकिन मजाक में बात कर रहा हूँ, इसमें भी कुछ लोग सीरियस ना ले, छोड़ो यार इन बात। अच्छा, अभी आप देखिए पाकिस्तान में जब इलेक्शन स्टार्ट होते हैं ना, जो ताकतवर हैं, जो पटवारी हैं, जिनकी ताकतें चलती हैं, वो इलेक्शन कमीशन भी अपनी मर्जी का लेके आते हैं, हर चीज अपनी मर्जी की करते हैं वो चीजें। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इन चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री चेंज की, इंडिया में इतने इतने बड़े काम किए। देखिए, जिस शख्स ने राम मंदिर बनवा दिया हो एक इंडिया में और एक यूएई में, क्या वो इलेक्शन हार सकता है? उन्होंने दिलों में जगह बना ली हुई है, उन्हें कैंपेन की जरूरत नहीं है। और मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा ये वाली बात कि जब आपकी कैंपेन हम लोग चला रहे हैं तो आपको क्या जरूरत है कैंपेन करने की? इस बात पे आपकी पकड़ भी हो सकती है। भाई मैं ऐसे जोक बात कर रहा हूँ, मजाक में बात कर रहा हूँ, इसमें वो थोड़ी है। और रियली मतलब उनकी अगर हम सच्चाई बताते हैं, मैं अगर उनकी सच्चाई हम लोग बताते हैं, हम बताते हैं कि उनकी पॉलिसीज ये हैं कि 10 ईयर में आप देखेंगे इंडिया की हिस्ट्री चेंज हो गई,
दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी इंडिया बना, आईटी में दुनिया में नाम हुए इंडिया के, इंडिया की प्रोडक्ट दुनिया में पहचानी जाती है। उन्होंने इंडिया की ये तो चीजें होगी ना पूरी दुनिया में, उन्होंने अपने इंडिया का नक्शा चेंज किया है। इंडिया की सड़कें देख लें, इंडिया के मॉल्स देख लें, इंडिया को उन्होंने दुबई टच जो है ना वो बना दिया। एक चीज जो पहले मुझे भी कंसेप्ट क्लियर नहीं था, आबिद भाई को भी शायद क्लियर ना होगा, बहुत से पाकिस्तानी और शायद इंडियंस को भी ना क्लियर हो, मुझे पहले ये लगता था कि भाई ये 10 साल में डेवलपमेंट हो गई साथ नेबर कंट्री में, 10 साल में इधर आगे से आगे चले गए। लेकिन अब जैसे जैसे मैं स्टडी कर रहा हूँ, जैसे जैसे इंटेलेक्चुअल से मिल रहा हूँ, तो भाई वो ये बात बता रहे हैं कि ये 10 साल में नहीं हुआ, उनकी 1980s 1990s से ये पॉलिसीज चल रही थी कि भाई वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बना रहे थे एजुकेशन पे, तब से काम कर रहे थे। मैं आपको एक बड़ी बात, अभी आपने एक बात की कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक जगह पे ये बात की कि मेहनत के लिए पैदा हुआ हूँ, ना कि मौज मस्ती के लिए पैदा हुआ हूँ। ठीक है, तो देखिए आप इस चीज को भी देखिए ना कि 10 ईयर्स के उनके टेन्योर में उनकी छुट्टी कोई नहीं, उनकी मौज मस्ती कोई नहीं, किसी मुल्क में वो जो है ना एंजॉय करने छुट्टियों पे नहीं गए। बड़े विजिट किए हैं उन्होंने, लेकिन किधर गए हैं बिजनेस की बात के लिए, जिस कंट्री में गए उन्होंने उस कंट्री से कुछ लिया। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह ये पूरी वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। खासकर आपने जाने आबिद अली जो कि भारतीय प्रधानमंत्री के सबसे बड़े पाकिस्तानी फैन कहे जाते हैं, उनके विचार आपने जाने हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।